ओके थैंक यू फिर बेटमला फाइनली काठमांडू एयरपोर्ट अब जाऊंगा यहां से सीधा दिल्ली दिल्ली से दुबई एंड मुझे सीएफ करने के लिए आया है मम्मी प्यारा बहन हो गया कोई बात नहीं सिस्टर भाई गायब हो गया लेकिन वो ट्रॉली लेके आ रहा है तो पढ़ देना सो आपको अंदर जाके मिलते हैं एयरपोर्ट के अंदर एयरपोर्ट ऐसा है देखो एक नज़ारा दिखा देते हैं नॉट बैड इमिग्रेशन आ गया इमिग्रेशन बैंड बस गया यार लगेज चेकिंग में लगभग 30 के जितना लेकिन मेरा एक्सेस हो गया था 37-38 हो गया था और एक बैग में 38 अलाउड नहीं करते 34-35 तक चलेगा बोलते पर अब परेशान हो गया यार बैग खरीदा फिर इधर उधर करके सामान निकला डाला बस ये इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि कभी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो जितना आपका वहाँ में वैलिड होता है 30 kg या 20 kg उससे कम लिया करो ताकि आपको तकलीफ़ ना हो अदरवाइज आप खुद का ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करेगा या बैग को देखिएगा ऐसा हो जाता है फाइनल जगह बोर्डिंग में आ गया अभी उम्मीद करते हैं अभी सेफ दुबई में पहुंच जाएगा लेकिन और भी एक चैलेंजेस है दुबई पहुंचने से पहले मुझे दिल्ली पहुंचना होगा क्योंकि मेरा ट्रांजिट है तो मैं ये रिकमेंड करता हूं आप सबसे यदि आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो लगेज ज़्यादा ना ले यार वेट ज़्यादा ना ले बड़ा परेशान होता है ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था बैंड बच गया मेरा यार डेफिनेटली आने वाला समय में ट्रैवल में मैं ऐसा कुछ सामान नहीं लेने वाला बड़ा बैंड बच गया मेरा जो भी हो फाइनली बोर्डिंग में आ गए और अभी यहाँ से निकलते हैं बस प्लेन का सवारी करना बाकी है नेपाल टू दिल्ली दिल्ली टू दुबई ओके गाइस सी यू जब बोर्डिंग करते हैं फिर मिलते हैं ठीक है फाइनली अब बोर्डिंग करने जा रहा हूँ प्लेन बड़ा सताया है यार आज आज का सफर ने बैंड बजा दिया यार बाय बाय KTM With you I can be sad with you Just take my hand and fly up through the dreams Where the skies are so clear With you प्लेन में सवारी हो रहा है दुबई के लिए गुड मॉर्निंग थैंक यू प्लेन का ड्राइवर एयरपोर्ट हाय गुड मॉर्निंग दिस इज 10A राइट यस सर थैंक यू फाइनली बोर्डिंग कर लिया प्लेन में चढ़ गया अब सीट कितने हैं 10A होपफुली दिस सीट इज माइन उम्मीद करते ये मेरा सीट हो क्योंकि लिखा है 10A एंड द व्यू फ्रॉम प्लेन पहला बार ड्राइवर कर रहा है दिन को दोपहर को नज़ारा बहुत खूबसूरत है मस्त है यार सो फाइनली वी लैंड दिल्ली एयरपोर्ट गाइस व्यूअर्स आप सबको एक भाई के नाते मैं कहूँगा इंटरनेशनल क्या आप चाहे डोमेस्टिक भी ट्रैवल करें ना ऐसा सामान लेके मत घूमना इट्स इरिटेटिंग बहुत परेशान करता है लोग विश करते हैं ना हैव अ सेफ फ्लाइट हैव अ सेफ जर्नी सेफ जर्नी तो दूर की बात है माँ बहने का उस सामान किधर लेके जाऊँ या खुद का दान करूँ या फिर डॉक्यूमेंटेशन करूँ बैंड बच जाता है और अनफॉर्चुनेटली यदि आपका फ्लाइट ट्रांजिट हो है ना कनेक्टिंग फ्लाइट हो और स्पेशली दिल्ली जैसे एयरपोर्ट लग जाएगा ना फिर माँ बहन एक हो जाता है एयरपोर्ट इतना बड़ा है अब मुझे जाना है गेट नंबर 12 अब ये कहाँ है यार गेट नंबर 12 इतना दूर है और भी तो इतना सारा सामान बुक किए देखो सेफ जर्नी लगी है क्या आपको जर्नी को एंजॉय करने का जगह मैं गधा का तरह सामान बुक ही घूम रहा हूँ सो गाइस स्ट्रॉन्गली आई रिकमेंड यदि आप इंटरनेशनल या डोमेस्टिक आप फ्लाइट लेते हो प्लीज़ ऐसा कैरी मत करना इतना सामान ज़्यादा गधे की तरह यदि आप इंजॉय करना चाहते हो अपना ट्रैवल आई मीन अपना जर्नी अदरवाइज इट्स अप टू यू मैं तो पछता रहा हूँ यार इतना सारा सामान लेके
बैंड बस गया यार, गेट 12 अभी भी ढूंढ के नहीं मिल रहा, मतलब ढूंढ के नहीं मिल रहा, मतलब है सीधा जाना है बहुत दूर और भी काफ़ी दूर। अभी गेट नंबर, हाँ अभी नज़र आ रहा है 16 14 14 के लिए मुझे जाना है, 1 to 14 के लिए मुझे जाना है राइट, एंड 17 to 26 के लिए जाना है मुझे लेफ्ट। सो मैं चलता हूँ गेट नंबर 12, दैट मीन्स आई हैव टू गो राइट। हद से ज़्यादा बड़ा यार एयरपोर्ट या दिल्ली का, और मेरे को बस सामान इतना ज़्यादा है, बैंड बजा पर आवा यार। सो गेट नंबर 12 मतलब 1 to 14, दैट मीन्स आई हैव टू टेक दिस वे। अच्छा गेट जहाँ है 15B। दिल्ली एयरपोर्ट कसम से जम के बढ़ा रहे हैं बहुत, अभी भी गेट नंबर 12 नहीं आ रहा। आगे दिखा रहा था गेट नंबर 1 से 26 के लिए राइट लेफ्ट बोल के रास्ता दिखा रहा था, अभी यहाँ दिखा रहा है गेट नंबर 1 to 14, मतलब थोड़ा करीब आ रहा है अभी। देखो इतना सारा सामान बुक किया गधा का तरह, बैंड बस गया और सुबह से कुछ खाया नहीं, कितना दो अंडे खा कर आया और एक कप चाय पिया, अभी दोपहर 12 बज गए, 12-1 बज रहे हैं यहाँ अभी यार। नेक्स्ट टाइम से तो नो लगेज कसम से, बैंड बस गया मेरा यहाँ। यही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ ये ना हो, आप लोग अपना चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो फ्लाइट को एंजॉय करें, मेरे तरह घर का तरह सामान बुकिंग ना घूमें। सो यही याद रखना। फाइनली अपना डेस्टिनेशन आने वाला है, डेस्टिनेशन बोला तो दुबई नहीं, डेस्टिनेशन बोलते ये गेट नंबर 11 to 14 मतलब नेक्स्ट गेट अपना रहेगा। ओ माई गॉड, 1 to 12 पहुँचने में मेरा महापैनिक हो गया, वो इसलिए कि सामान इतना ज़्यादा यार हाथ में बुका हुआ है, पीछे बुका हुआ है। दो दिस इज ऑल्सो लेसन, एक सबक सीखा है कि ट्रैवलिंग में ज़्यादा सामान कैरी नहीं करना है बोल के, वरना बैंड बजेगा आपका। सो गेट नंबर 12 के लिए मुझे राइट जाना है, आई अराइव्ड माय गेट। मेरे को हो रहा है कि मैं कब पहुंचूं और कब रेस्ट करूं। भाई जान बहुत बड़ा है रे, दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है मेरे भाई, बहुत बड़ा है। देखो फाइनली गेट नंबर 12 आ गया मैं, और इतना सारा कैरी बैग के साथ, इतना सारा बैग के साथ मेरा तो बैंड ही बज गया। सो आई विल टेक द फर्स्ट सीट, मैं फर्स्ट सीट लेके बैठता हूँ। ओह माय गॉड, एग्जॉस्टेड मैन, लगभग 3-4 किलोमीटर चला होगा। सच में स्ट्रॉन्गली रिकमेंड आप सबको, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यदि इंटरनेशनल ट्रैवल करता है या मान लो आप डोमेस्टिक भी करता है, इतना सारा सामान लेके, हाँ आपको वो क्या कहता है ट्रॉली में डाल सकता है, लेकिन हैंड कैरी इतना ज़्यादा आपको बैंड बजा देगा यार। मैं सामान यार कि कुछ खाने को ढूंढने जाएगा, वैसे मेरे पास कैश भी नहीं है, क्रेडिट कार्ड है, पता नहीं एक्सेप्ट करेगा या नहीं वो भी, क्योंकि आगे मुझे फ्लाइट में बहुत भूख लगा और मेरे पास कैश नहीं था, और वैसे भी इंडियन एयरलाइंस था वो इंडिगो था, मेरे पास दिरहम था और या फिर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड था। तो मैंने बोला कुछ मिलेगा मुझे खाने के लिए, बोलते हाँ पे करना पड़ेगा, मैंने कोई बात नहीं है, पर मेरे पास इंडियन करेंसी नहीं है, दिरहम में है और आपको क्या क्रेडिट कार्ड है जो कि UAE का है, हालांकि वो इंटरनेशनल है। तो ओके वी विल एक्सेप्ट बोला, फिर जाके सोचा मिल जाएगा, फिर सब कुछ करने के बाद एक लड़की आई, वो बोलते नो वी कैन नॉट एक्सेप्ट, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग, दिमाग खराब, बोलो बोला क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, सॉरी सर, बोला क्या कर सकते। फिर मैंने पूछा बोला कैन आई गेट वाटर, हाँ ऑफकोर्स श्योर, फिर वो 2 ग्लास वाटर दिया मुझे, 2 ग्लास पानी पी के मैं अभी तक अपने आप को संभाल रहा हूँ। तो अब मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद ढूंढते हैं यहाँ कुछ खाने को, KFC वगैरह कुछ मिल जाए। मेरे आगे में कुछ दिख रहा है, जाके देखते हैं वो क्या, कुछ तो दिख रहा है यहाँ से। वैसे हम लोग दुबई में तो कहीं भी सामान ऐसे छोड़ के जा सकते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो चाहे होटल हो, और स्पेशली एयरपोर्ट में तो क्यों नहीं, आई होप यहाँ इंडिया में भी छोड़ सकते हैं। सो मैं ऐसे छोड़ देता हूँ क्योंकि कोई है नहीं वहाँ, और मैं बैग देकर बैठूँ या अपना पेट पूजा करूँ, मुझे भूख लगी है। यहाँ मैं कुछ लिखा है मसाला ट्विस्ट, पूछते हैं यहाँ क्या मिलेगा खाने को, खाने से पहले पैसा के बारे में बात करना होगा, क्या वो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, या फिर दिरहम। हाय गुड आफ्टरनून, डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल, आई मीन दुबई क्रेडिट कार्ड, थैंक यू सो मच बिकॉज आई डोंट हैव कैश एट ऑल। व्हेयर इज द रेस्टरूम, रेस्टरूम इज इट देयर, कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट नहीं है, आ जाएगा ना आप।
क्या है ना इंसान का बॉडी, खाना भी मांग रहा है साथ में, ये भी लग रहा है ऊपर से भी मांग रहा है, नीचे से भी जाने को मांग रहा है। यार कहाँ कहाँ क्या क्या करूँ। चलो ठीक है कोई बात नहीं, पहले रेस्टरूम जा गया था। आई जस्ट बैक फ्रॉम रेस्टरूम, ओके आई जस्ट बैक। रेस्टरूम हो गया मतलब फ्रेश हो गया, अभी पेट खाली हो गया, टंकी खाली हो गया मतलब भरा सकता अभी यहाँ से। ओह माय गॉड, स्वीट लस्सी, लस्सी उस्सी नहीं चाहिए अपने को, एक चिकन टिक्का चलेगा। सो आई विल हैव दिस, यप दैट वन, चिकन कट्टी रैप एंड 269, थैंक यू सो मच। सो हियर आई गॉट माय पार्सल एंड वहाँ बैठ कर खाऊँगा, या यहाँ बैठ कर, बुरी तरह से भूख लगी है। तो खाते हैं चिकन रोल, ओह माय गॉड वेरी हॉट। चलिए खाने के बाद बात करेंगे आपसे। दिल्ली एयरपोर्ट का ये बहुत बढ़िया है, क्या कहते हैं लस्सी, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लगभग ये 200 रुपये एक का। और क्या कहते हैं, साथ में खाया था चिकन रोल, वो भी टेस्टी है। प्लेन से भूख लग रहा था यार, जब वहाँ प्लेन में पैसा था ही नहीं अपने पास, आयनर इंडियन के जो पैसा है वो मेरे पास नहीं थे, मेरे पास था दिरहम या फिर मेरे पास था क्रेडिट कार्ड जो दुबई का है, वो इंटरनेशनल है पर वो एक्सेप्ट नहीं करते बोला। तो बाय लकीली जो मेरा पीछे स्टोर दिख रहा ना वहाँ क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट किया और मैंने वहाँ से एक चिकन रोल लिया। और ये मेरे साथ एक भैया भी है दोस्त, अजय का नाम ईश्वर सुनार। आप कहाँ से हो? गोरखा। भैया गोरखा से है और हम लोग साथ में फ्लाई कर रहे हैं। आप दुबई में कहाँ जा रहे हैं? जबलाली। भैया जबलाली में है, आप वहाँ काम करते हैं। और मैं भी दुबई जा रहा हूँ लेकिन मैं बड़े दुबई में रहता हूँ, थोड़ा दूर है लगभग एक घंटा 30-40 मिनट का दूरी में। चलिए बाकी बोर्डिंग करते वक्त बात करते हैं। फाइनली वो पल आ गया, आप दुबई के लिए बोर्डिंग करने जा रहे हैं फ्लाइट्स। कोई बेवकूफ़ ने दूसरा गेट में भेज दिया था, एक्स्ट्रा 30 मिनट वो करना पड़ा, ज़्यादा जानकारी बन गया था टाइम पे। एक बंदा ने यदि राइट इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो आज फ्लाइट मिस हो जाता। चलो ये भी एक एक्सपीरियंस है। काफ़ी प्रोसीजर से होके फाइनली दुबई के लिए बोर्डिंग कर रहा हूँ। फाइन थैंक यू, वेलकम टू दुबई। हाय सॉरी, एक दिन में दो बार प्लान चढ़ गया अभी यार, क्या कर सकते हैं। फाइनली हम लोग आ गए दुबई, लगभग अभी टाइम हुआ है यहाँ का 7 बजे समथिंग, 7:30 ऑन टाइम में पहुँच गया है। चलिए एयरपोर्ट के अंदर जाके मिलते हैं। मैडम जी आपका सफ़र कैसा था? बहुत बढ़िया, थैंक यू। फाइनली वी अराइव दुबई, चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। इमिग्रेशन चेक इन भी हो गया, नाउ वी आर इन प्रॉपरली दुबई फाइनली। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टुडे? टुडे इज गोइंग गुड, फ्लाइट बिकॉज दैट वी आर वेटिंग फॉर देयर दिल्ली very long time, yeah, boring, approximately 4 hours, right? 4 yeah. to 5 hours and then so now it's final process, I have to check it here, my luggage. Jo pakka pani mera mero luggage chine manche aa raha hai na na le banda ye hona pa. Finally landed United Arab Emirates. Finally Dubai आ गया। Hi. So guys catch you in next video, क्योंकि battery dead हो रहा है और मैं अपना destination में आ गया हूँ। See you, bye.